और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1949 में आज ही के दिन देश की पहली महिला गवर्नर और कवित्री सरोजनी नायडू का निधन हुआ था। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने 12 साल की उम्र से कविताएं और लेख लिखना शुरू कर दिया था। उनका फारसी नाटक मेहर मुनीर और कविता संग्रह द गोल्डन थ्रेसोल्ड काफी लोकप्रिय हुआ था और सरोजनी नायडू को द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वर्ष 1949 में आज ही के दिन दुनिया की पहली ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट अमेरिका के कनेक्टिकट में लगाई गई थी। ये एक ऐसा लाइटिंग सिस्टम था जो जरूरत के हिसाब से अंधेरा होने पर अपने आप को ऑन कर लेता था और जरूरत ना होने पर ऑफ भी हो जाता था। कई देशों में आज भी इस्तेमाल होने वाली इस तकनीक में खास तरह के फोटो सेल्स का प्रयोग होता है। इन ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स के जरिए बिजली बचाई जाती है। वर्ष 1983 में आज ही के दिन से अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में सीडी प्लेयर्स की बिक्री शुरू हुई थी और इससे पहले सीडी प्लेयर्स सिर्फ जापान में बिकते थे। और वर्ष 1933 में आज ही के दिन मशहूर हॉलीवुड फिल्म किंग कॉन्ग न्यूयॉर्क में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को अपने खास स्पेशल इफेक्ट्स के लिए विशेष तौर पर याद किया जाता है। उस वक्त इस फिल्म में इस्तेमाल होने वाले स्टॉप मोशन एनिमेशन टेक्निक सिनेमा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुई थी। और डीएनए में आज इतना ही। Thank you.